नमस्कार दोस्तों, बीकॉम पार्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम अध्ययन करेंगे वो सेकंड पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका मोड। मोड में हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ ली थी, डिस्क्रीट सीरीज हम पढ़ रहे थे। डिस्क्रीट सीरीज में पहला जो मेथड था आपका बाय इंट्रैक्शन मेथड, निरीक्षण विधि द्वारा आवर्ती या बहुलक की गणना। इस मेथड में क्या होता है, आवर्ती बंटन नियमित या सजातीय होगा तो जो सर्वाधिक आवर्ती वाला जो मूल्य होगा वही आपका बहुलक होगा। तो सर्वाधिक आवर्ती वाला मूल्य बहुलक होता है और आवर्ती बंटन नियमित कौन सा होता है, वह आवर्ती बंटन नियमित होता है जिसमें जो आवर्तियां है एक निश्चित क्रम में बढ़ती है और एक अधिकतम बिंदु होने के बाद उसी क्रम में गिरती है। जो दूसरा मेथड है इसका वो है आपका बाय ग्रुपिंग मेथड, सामूहिकरण विधि द्वारा। सामूहिकरण विधि द्वारा जो मूल्य या फिर हम कह सकते हैं बहुलक की जो गणना हम करते हैं वो एग्जैक्ट होती है। कई बार क्या है आपको इंट्रैक्शन मेथड से जो बहुलक लगता है वो अधिक या फिर दूसरा मूल्य लगता है, जबकि जो वास्तविक रूप से जो बहुलक होता है वो कोई और मूल्य होता है। इस विधि द्वारा बहुलक की गणना करने पर करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस विधि से बहुलक की गणना सर्वश्रेष्ठ होता है या फिर इस विधि से बहुलक की गणना करने पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब इंट्रैक्शन मेथड से निरीक्षण विधि द्वारा कोई बहुलक लग रहा हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक आवर्ती वाला बहुलक हमें बहुलक लग रहा हो परंतु वो बहुलक नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं जब जो आवर्ती भी जो बंटन है वो नियमित नहीं हो तो हम ग्रुपिंग मेथड द्वारा बहुलक की गणना करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड से बहुलक की गणना कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। तो इसमें तीन स्टेप होते हैं। पहला आप क्या करेंगे, समूहीकरण सारणी बनाएंगे। जो पहला स्टेप होगा आपका, सबसे पहले आप समूहीकरण या ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। उसके बाद आप जो विश्लेषण सारणी बनाएंगे, एनालिसिस पेपर। विश्लेषण सारणी बनाते हैं, उसके बाद आप बहुलक का निर्धारण करते हैं या बहुलक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप समूहीकरण या ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाएंगे, फिर आप बहुलक को निर्धारित करेंगे। तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ग्रुपिंग मेथड से सारणी या फिर समूहीकरण सारणी, विश्लेषण सारणी और बहुलक सारणी कैसे बनाते हैं, बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं।
आपका है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले एक स्टेप आपको मिलेगी, वो आप ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है साइज ऑफ शूज। साइज ऑफ शूज है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रकार है 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8 और 5। तो आप इसमें इंफेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि द्वारा जो बॉलर है उसकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि एक को जो सर्वाधिक आवर्ती वाला है 4 है और दूसरा है 6, तो दोनों में से आप बॉलर किसे मानेंगे, ये एक मुख्य समस्या हो गई। और दूसरी चीज जो आवर्ती बंटन है निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, फिर गया, फिर बढ़ रहा है, फिर भी गया, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, अर्थात आवर्ती जो बंटन है वो आपका नियमित नहीं है। तो अब आपको जो मेथड यूज करना पड़ेगा बॉर्डर ज्ञात करने के लिए वो आपको ग्रुपिंग मेथड काम में लेना होगा। तो ग्रुपिंग मेथड से बॉर्डर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आप काम पहले स्टेप जो आप लेंगे वो है ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल में जो कॉलम होते हैं या फिर खाने होते हैं वो 6 होते हैं। आपकी ग्रुपिंग टेबल हो गई। इसमें जो खाने होते हैं वो 6 होते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और छठा। ये हो गए जो इसमें पहला जो कॉलम होता है या फिर जो पहला खाना होता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप 0 की 4, 1 की 5, 2 की 7, 3 की 6, 8, 7, 8 और 5। तो सबसे पहले आपका तो सबसे पहले जो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो आपका पहला कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा और जो दूसरा कॉलम होगा तो जो आपका दूसरा और तीसरा जो कॉलम होगा
ये जो हम बाय टू और बाय जो थ्री कर रहे हैं वो हम ग्रुप्स बनाएंगे इनके फ्रीक्वेंसी के। क्या करेंगे हम ग्रुप बनाएंगे हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे तो जो ग्रुप पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे आपके जो विभिन्न मूल्य हैं उन्हें लिखेंगे फिर आपकी फ्रीक्वेंसी उसके बाद जो सबसे पहले मूल्य लिखेंगे फिर आप छह कॉलम वाली सारणी बनाएंगे। सबसे जो पहला कॉलम होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, दूसरा और तीसरा कॉलम आप दो दो मूल्य को योग करते हुए जो समूहीकरण बनाएंगे या ग्रुप बनाएंगे और चौथा तीन तीन मूल्य वाले जो ग्रुप्स बनाएंगे। तो जो दूसरा है उसमें आप शुरू से स्टार्ट करेंगे तो शुरू के दो मूल्य हैं उन्हें योग कर ग्रुप्स बनाएंगे चार और पांच नौ, तो ये ग्रुप हो गया दो फ्रीक्वेंसी का। फिर अगला होगा छह और सात का, कितना हो गया छह दिन बारह और एक तेरह। उसके बाद अगले दो आठ और सात पंद्रह, आठ और सात पंद्रह, फिर अंतिम लास्ट दो आपके आठ और पांच तेरह। ये हो गए। सबसे पहले आप क्या करेंगे दो दो जो वैल्यू है शुरू से उन्हें योग करते हुए आप ग्रुप्स बनाएंगे। तो शुरू से स्टार्ट करेंगे दो नौ, फिर दो अगले दो मूल्य का तेरह, फिर अगले दो मूल्य का पंद्रह, फिर अगले दो मूल्य। तो नीचे थोड़ा गैप कम रह गया मैं इनको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। चार पांच सात छह आठ सात आठ तो शुरू आप पहला जो कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दूसरा जो है उसमें प्रथम दो दो फ्रीक्वेंसी है उसका योग करके हम लिखेंगे चौदह
फिर इसी प्रकार सात व आठ पंद्रह। तो ये हो गया। तो अब दो दो के मिलने वाली ग्रुपिंग खत्म हुई, अब हम थ्री वाली ग्रुपिंग करेंगे। तो प्रथम की फर्स्ट थ्री का योग करेंगे, फर्स्ट थ्री तो सात व पांच बारह व चार सोलह। उसके बाद अगले थ्री छह आठ चौदह और सात इक्कीस। आगे पैर बनेगा क्योंकि दो ही मुझे रह गए तो हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद आप जो पांचवी जो टेबल होगी, चौथी टेबल पे आप क्या करेंगे, शुरू के तीन तीन वैल्यूज के योग करके आप ग्रुप बनाएंगे, अगले तीन फिर अगले तीन। फिर जो पांचवी जो आप टेबल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, प्रथम मूल्य छोड़ देंगे फिर तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पेज को हमने छोड़ दी, फिर तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे। तो पहला आ जाएगा सात व पांच बारह छह अठारह। फिर नेक्स्ट आठ व सात पंद्रह और आठ तेईस। आठ सात आठ तेईस। अब जो छठवा आप जो छठवी कॉलम का जो मूल्य आप जोड़ेंगे उसमें प्रथम चौथी में आपने क्या किया, शुरू के तीन जोड़ लिए, पांचवी में आपने क्या किया, प्रथम छोड़ा अगले तीन ले लिए, छठवी में आप क्या करेंगे, शुरू के दो छोड़ देंगे और अगले तीन का योग कर लेंगे। तो सात छः और आठ इक्कीस। फिर सात आठ और पांच बीस। ये बन गई आपकी ग्रुपिंग टेबल। तो आप क्या करेंगे, मैं एक बात फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आप एक्स की वैल्यूज लिखेंगे, फिर छह कॉलम वाली एक टेबल बनाएंगे जिसमें जो पहला कॉलम होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी का होगा, दूसरा व तीसरा कॉलम जो होगा वो दो दो मूल्य के योग वाले ग्रुप्स की ग्रुप्स का मूल्य होगा, और जो अगले तीन है चौथा पांचवा व छठवा ये होगा आपके तीन तीन मूल्य वाले जो ग्रुप्स हैं उनके योग वाली सारणी। पहले कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी की देंगे, जो दूसरा कॉलम है दो दो के योग वाला मूल्य कॉलम, दूसरा और तीसरा, तो दूसरे कॉलम में आप प्रथम जो दो फ्रीक्वेंसी है उन्हें योग करते हुए फिर ग्रुप्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का योग, फिर नेक्स्ट ग्रुप, फिर नेक्स्ट ग्रुप, फिर नेक्स्ट। तो इस प्रकार आप ग्रुप्स बना लेंगे। उसके बाद जो तीसरा जो कॉलम होगा उसमें आप प्रथम एक मूल्य को छोड़ देंगे, फिर अगले दो दो मूल्य के योग लेते हुए आप जो टेबल बनाएंगे। तो फाइव और सेवन ट्वेल्व, फिर सिक्स और एट फोर्टीन, फिर सेवन और एट फिफ्टीन। अगर आप छोड़ दें फिर जो थ्री वाली है चौथी पांचवी और छठवा कॉलम, चौथे कॉलम में प्रथम तीन मूल्यों का योग करते हुए आप ग्रुप्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट थ्री का योग लेते हुए आप ग्रुप्स बनाएंगे। जो पांचवा जो कॉलम होगा उसमें आप जो प्रथम मूल्य है उसे छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट थ्री थ्री के पेयर बनाते हुए आप ग्रुप्स बनाएंगे। फिर जो छठवा कॉलम है उसमें आप शुरू के दो वैल्यूज या शुरू की दो फ्रीक्वेंसीज आप छोड़ देंगे, फिर तीन
टीम के पेयर बनाकर आप ये ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट करेंगे। ये हो गई आपकी ग्रुपिंग टेबल। इस ग्रुपिंग टेबल में आप क्या करेंगे, जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है उन्हें आप मार्क करेंगे। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 और 8। उसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 15। इसके बाद जो तीसरा कॉलम है उसमें सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 15। उसके बाद जो चौथा कॉलम है उसमें सर्वाधिक 21। पांचवें में सबसे अधिक 23 और छठवें में सबसे अधिक 21। ये हो गई आपकी ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट। इसके बाद जो विश्लेषण सारणी है उसे बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप ऐसे करें जैसे आप कॉपी में लिख लें। यदि स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको दोबारा देखे बिना आप एनालिसिस पेपर नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसको लिख लें कॉपी में, फिर आप इसकी एनालिसिस पेपर बनाएंगे। जो हम ग्रुपिंग टेबल या ग्रुपिंग मेथड से बहुलक की गणना करते हैं उसमें जो आंसर आते हैं वो सबसे, तीनों जो मेथड है सबसे अधिक विश्वसनीय जो मेथड है वो आपका ग्रुपिंग मेथड है। जहाँ पर सभी विधियों से जो मोड का डिसीजन करना मुश्किल होता है तब हम ग्रुपिंग मेथड का काम में रहता है। ये विधि थोड़ी सी कठिन जरूर है परंतु जो आंसर आएंगे वो आपके सही होंगे, गलत नहीं होंगे। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस टेबल अपन बनाएंगे। तो आपने ये टेबल है इसमें जो एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे उसमें ये सर्वाधिक जो फ्रीक्वेंसी है उनका प्रयोग करते हुए हम क्या बनाएंगे, आपका ग्रुपिंग टेबल सॉरी एनालिसिस टेबल। तो जो शुरू के दो तीन कॉलम है वो मैं आपको इसी में बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आ जाए, इसी में बिठा देता हूँ। क्योंकि इस टेबल के बिना आपको उसे मैं समझा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो जो हम अगला बनाएंगे एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल में ये थोड़ी आगे और बढ़ेगी। जो आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो इसकी तरफ होगी और इस तरफ लिखे जाएंगे ग्रुपिंग टेबल के कॉलम। तो इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, छठवा, छह कॉलम हमने बनाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। और जो आपकी एक्स की जो वैल्यूज है
फाइव और सिक्स, सिक्स और सेवन, तो कोशिश करता हूँ जो एनालिसिस के कलर के हिंट के बन जाए, उसे मिटाने की आवश्यकता ना पड़े। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो आप आगे क्या करेंगे? अब जो आप काम करेंगे, सबसे पहले जो सबसे अधिक वाला जो मूल्य है उसको आपने मार्क किया है, तो इससे जो सर्वाधिक वाला जो मूल्य है उसे आपने मार्क किया है। सबसे अधिक वाला मूल्य आपने मार्क किया है, तो जो पहला जो कॉलम है, पहले जो टेबल का जो कॉलम हमने बनाया है उसमें जो सबसे अधिक वाला मार्क कॉलम मुझे क्या आंसर है, आठ 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 का आठ किसका वैल्यूज है, जो पहला आठ है वो है चार का, और जो अगला आठ है वो है आपके छः का। तो जो पहला आठ है इसके जो इसके सामने जो एक्स की वैल्यू है वो है आपकी जो ये एक्स मैंने यहां पे डिनोट करने के लिए लिख दिया है, जो पहला सर्वाधिक जो फ्रीक्वेंसी है वो चार की है, तो मैं चार के आगे पहले टेबल का जो चार है उस पर टिक लगा लेता हूँ, और जो अगला आठ है या सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी वो किसकी है, छह की है, तो छह पे टिक लगा लेता हूँ। पहले टेबल का काम खत्म। अगली जो टेबल है दो सिर्फ दो नंबर की, आगे जाकर दो नंबर की टेबल, क्योंकि इस तरफ मैंने जो टेबल के जो कॉलम है वो लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। तो दूसरे कॉलम में सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, पंद्रह, पंद्रह की तीन को योग करने पे बना है आपके जो चार व पांच वाले मूल्य को योग कर पंद्रह बना है, तो चार क्या कहते और पांच क्या कहते, तो चार और पांच का प्रयोग करके आप चार और पांच की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना आपने सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी बनाई थी। इसके बाद जो अगला जो तीसरा कॉलम है या फिर आपका तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में जो सर्वाधिक जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, पंद्रह, ये पंद्रह किन दो वैल्यूज को योग करने पर आई है आपकी पांच व छह पर, तो पांच के आगे टिक और छह के आगे। इसके बाद जो आपकी फ्रीज वाली जो श्रेणी है उसमें जो सर्वाधिक मूल्य है 21, वो किन तीन वैल्यूज को जोड़ने पर बना है, छह आठ सात, छह आठ पर सात पर जो फ्रीक्वेंसी है, छह आठ और सात तीन की फ्रीक्वेंसी है तीन चार दो पांच, तो जो 21 जो वैल्यू आई है वो तीन वाली फ्रीक्वेंसी, चार की फ्रीक्वेंसी और पांच की फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर बना है, तो मैं
चार जो पांच पर टिक लगा दिया, तो चौथी जो चौथा जो कॉलम है ये सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है वो तीन की, चार की और पांच की से जुड़कर बनी है। इसके बाद जो अगले है पांचवी टेबल, जो पांचवा कॉलम है उसमें सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। 23 किनके योग से बनी है, 8, 7 और 8, इन तीन फ्रीक्वेंसी के योग से। ये तीन किनकी फ्रीक्वेंसी है, 4 की 5 की 6 की, तो 4, 5 व 6 पर मैं टिक लगा दूंगा, 4, 5 व 6 इस पे टिक लगा दिया। अब है मेरा लास्ट पेपर का लास्ट कॉलम, तो लास्ट जो कॉलम है छठा इसमें सर्वाधिक मूल्य कौन सा है, 21। 21 इन तीन वैल्यू से बन के या फिर योग होके बना है, तो 7, 8, 7, 6 और 8 इन तीन वैल्यूज के योग से आपका 21 बना है, तो 7 फ्रीक्वेंसी है जो कि फिर आपकी 6 फ्रीक्वेंसी है तीन की और जो 8 फ्रीक्वेंसी है इसकी 4 की, 2 की 3 की और 4। यह हो गई आपकी क्या एनालिसिस टेबल। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले आप जो ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, ग्रुपिंग टेबल में पहला कॉलम जो आप जो एक्स की वैल्यू से उसे लिख लेंगे, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सही आप 6 कॉलम बनाएंगे जब तक कि विशेष परिस्थिति के रूप में आपको कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। तो जो पहला कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा, दूसरा परफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का योग, फिर इसी प्रकार आगे पेयर बनाकर आप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तीसरा जो कॉलम होगा वो प्रथम फ्रीक्वेंसी को छोड़ने के बाद जो आगे दो दो के पेयर बनेंगे उन्हें योग कर हम लिखेंगे, चौथा पांचवा व छठा हम तीन मूल्यों को लेते हुए हम ग्रुपिंग करेंगे। तो चौथे कॉलम में प्रथम की वैल्यूज की ग्रुपिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट थिंग, फिर नेक्स्ट थिंग, इसी प्रकार चलता रहेगा। पांचवा जो कॉलम होगा उसमें आप प्रथम वैल्यूज को छोड़ देंगे, उसके बाद अगली तीन दिन जो फ्रीक्वेंसी है उन्हें योग करते हुए आप टेबल बनाएंगे। जो छठवा है प्रथम दो मूल्यों को छोड़ देंगे, फिर तीन दिन का पेयर बनाकर आप ग्रुपिंग करेंगे। फिर आप जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क कर देंगे, उसको मार्क करने के बाद आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल में जो ऊपर की तरफ लिखेंगे आप वो आपका होगा एक्स की वैल्यू, और जो आप नीचे की तरफ कॉलम में लिखेंगे वो आप टेबल के नंबर, पहली टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी, चौथी, पांचवी और सात छठी। फिर आप क्या करेंगे, जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है उनको आप जो एक्स की वैल्यूज में देखते हुए मार्क करते चलेंगे। तो प्रथम जो टेबल है उसमें सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है 8 और 8, तो आप 8 का मूल्य 4 है, फिर अगले जो 8 का मूल्य 6 है इन दोनों पर 4 और 6 पर मार्क कर देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा कॉलम है उसमें सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 15 है, वो इन दो फ्रीक्वेंसी के योग से बना है 8 व 7 से, तो इनकी जो वैल्यूज है वो क्या है, 4 व 5, तो 4 व 5 पर मैंने मार्क कर दिया दूसरी टेबल में 4 व 5। इसी प्रकार तीसरे में जो 15 है वो इन दो वैल्यूज के योग से बना है 7 व 8 से, तो इनकी वैल्यूज क्या है, 5 व 6, तो मैंने तीसरे में 5 व 6।
चार की फ्रीक्वेंसी आर, पांच की फ्रीक्वेंसी सात और छह की आर। तो इनको मारकर क्या मिले? सॉरी, जो 21 बना है पहले, 21 वाला रह गया 6, 8 और 7, तो 3, 4 और 5। फिर जो अगली आपका 23 है वो 4, 5 और 6 से बन गया। इसी प्रकार आपका जो 21 है उसमें आप दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हो गया आपके एनालिसिस के बारे में। अब हम एनालिसिस के बारे में को कंप्लीट करके उनको टोटल करेंगे। हम जो हमने मार्क लगाए उनका हम टोटल करेंगे। तो पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में कुछ नहीं है, जीरो के लिए कोई मार्क नहीं है, एक के लिए कोई मार्क नहीं है, दो के लिए एक मार्क आया है, तीन के लिए एक व दो, इसी प्रकार चार के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, इसी प्रकार पांच के लिए एक, दो, तीन, चार, इसी प्रकार छह के लिए एक, दो, तीन और लास्ट सात के लिए कुछ नहीं है। तो जो इसमें जो सर्वाधिक होगा उसे मारकर जो इसकी वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। तो जो लास्ट स्टेप है आपकी थर्ड बहुलक ज्ञात करना। तो आप एनालिसिस के बल के माध्यम से जो वैल्यू का सर्वाधिक योग आएगा वही आपका बहुलक होगा। तो जो मोड होगा वो होगा चार। तो ये वह ग्रुपिंग मैटर से बहुलक की गणना, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहिए ले लें। फिर हम जो इसका अगला मेथड है उसे देखते हैं। वो अगला मेथड ग्रुपिंग मेथड पर ही बेस है परंतु वह इससे थोड़ा सरल है। तो आप इसे लिखना चाहें लिख दें या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्रुपिंग मेथड है उसको हम थोड़े शॉर्ट रूप से देख सकते हैं परंतु यदि खंडित श्रेणी में हमें बहुलक ज्ञात करना तो जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आपकी ग्रुपिंग मेथड है। आप इस मेथड का प्रयोग करने पर जो हम इस ग्रुपिंग मेथड को थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो जो हमने लास्ट उदाहरण दिया था उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी तो जो इसमें क्या होता है संभावित जो मूल्य होता है संभावित मूल्य होता है जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें जो संभावित मूल्य था एक तो चार की फ्रीक्वेंसी आर थी और एक छह की आर थी। ये दो मूल्य थे जिनकी फ्रीक्वेंसी आर थी।
इसमें हम क्या करते हैं, जो संभावित मूल्य है संभावित मूल्य से पहले की फ्रीक्वेंसी फिर संभावित मूल्य संभावित मूल्य की आवृत्ति फिर संभावित मूल्य से अगले मूल्य की तो मैं एक बार क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ दोबारा, जो आपको साइज दी गई थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 दी गई थी और जिनकी फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4, 5, 7, 6, 4, 5, 7, 6, 8, 8, 7 और 5। ये इनकी जो एक्स की वैल्यू थी ये फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ग्रुपिंग मेथड है उसे थोड़ा आसान कर इस मेथड से हम टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सा मूल्य आवर्ती होगा। तो जो संभावित मूल्य है 4, इस मूल्य से पहले की आवर्ती 6, इस मूल्य की आवर्ती 8 और इसके अगले मूल्य की आवर्ती। इसी प्रकार जो आपका संभावित जो बहुलक का मूल्य है वो है 6, तो 6 की आवर्ती 6 से पहले की आवर्ती 7, इससे अगले मूल्य की आवर्ती 6 की आवर्ती 8 और इससे अगले मूल्य की आवर्ती। इन तीनों का हम क्या करेंगे, योग, और जिसका योग अधिक आएगा वही बहुलक होगा। तो 6 और 8 14 और 7 7 और 8 15 और 5 20, तो इसका योग अधिक आया 21, 4 का, तो हमारा योग क्या होगा, परंतु कई बार क्या होता है जो ये योग है ये दोनों समान आ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में आप इस विधि से बहुलक की गणना नहीं कर सकते, फिर आपको वही ग्रुपिंग मेथड के काम में लेना होगा। यदि जो फ्रीक्वेंसी का जो योग है वो समान आ जाए तो आप ग्रुपिंग मेथड से ही बहुलक का निर्धारण करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये ग्रुपिंग मेथड का शॉर्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जो संभावित मूल्य है या फिर आप कह सकते हैं जो बहुलक के संभावित मूल्य है या संभावित फ्रीक्वेंसी वाले जो मूल्य है वो लिख लेते हैं। इनसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, संभावित मूल्य की फ्रीक्वेंसी और संभावित मूल्य से अगले मूल्य की फ्रीक्वेंसी का हम योग करते हैं, जिसका योग अधिक होता है वही आपका बहुलक होता है। तो दोस्तों हम आज की क्लास में यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।